मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। जम्मू कश्मीर के सोफिया इलाके में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में मेरठ के मेजर मयंक बिश्नोई शहीद हो गए। कंकड़खेड़ा शिवलोकपुरी निवासी रिटायर्ड सूबेदार वीरेंद्र बिश्नोई के पुत्र मेजर मयंक का 3 साल पहले ही विवाह हुआ था। 15 दिन पहले उनके लिए सेना मेडल की घोषणा हुई थी 26 जनवरी को। इस सम्मान से उन्हें नवाजा जाने वाला था। आतंकवादियों की गोली से गंभीर रूप से घायल मेजर को 27 अगस्त को उधमपुर सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज रविवार की सुबह उनका निधन हो गया। निधन की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया है कि कल यानी रविवार को उनका पार्थिव शरीर यहां लाया जाएगा। सूबेदार राम सिंह के बाद पिछले 1 माह में मेरठ की मेजर मयंक के रूप में यह दूसरी बड़ी क्षति है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। शिवलोक स्थित अपने आवास पर मेजर मयंक की बहन ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। कश्मीर पोस्टेड है वो पिछले 2 साल से सोफिया में। हर दूसरे दिन ऑपरेशन होते थे। हमें 27 को पता चला कि उसको गोली लग गई है। सब तो वेंटिलेटर पे ही था, लेकिन बहुत बहुत लड़ रहा था। लास्ट कब बात हुई आपकी? रक्षाबंधन वाले दिन बात हुई थी। बाइक को इन्फॉर्म किया जाता है, नहीं बताया था तुमने। कब आज ही जॉइन की थी? 10 साल हो गए। अक्सर बात होती थी फोन पे तो क्या पता होता। कश्मीर जाने के बाद से बहुत कम बात होती है हमारी। महीने में 1-2 बार ही हो पाती थी। मम्मी पापा से 3 दिन में बात कर पाता था। हर दूसरे दिन ऑपरेशन लीड करता था। मम्मी पापा वो हमारा सबसे छोटा भाई है। दीदी सबसे बड़ी है, फिर मैं और वो सबसे छोटा है। मेजर मयंक की शहादत संबंधी खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट पर रहेगी फर्स्ट बाइट की बराबर नजर। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।